हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोटिको सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते भी हमने इसी अष्टगंध चंदन से ही इनका स्नान कराया था, इसलिए इतनी शाइन हो रही हैं। गणपति जी का स्नान हुए चंदन से थोड़ा टाइम हो गया है, तो इसलिए वो थोड़े डार्क हैं। और इनकी जो डिज़ाइन है, यहाँ यहाँ उंगलियाँ नहीं फंसती, इसलिए अंदर अंदर अभी भी डार्क हैं। इन्हें ब्रश से मुझे क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं किया। तो आइए फटाफट शो करती हूँ। सेम प्रोसेस है एग्जैक्टली। अष्टगंध चंदन ले ले थोड़ा सा, और इसके बाद गुलाब जल गंगा जल मिक्स कर लें। ज़्यादा गीला नहीं करना है, ज़्यादा गीला आप करेंगे तो ये उतने क्लीन नहीं होते हैं। उबटन के जैसे करना है, और चंदन की प्रॉपर्टीज होती हैं जो ब्राइट कर देता है स्किन को। और हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में चंदन अति प्रिय है, पहले भी बताया है। अष्टगंध चंदन में बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, तो इससे फ़ायदा ही होता है। सबसे पहले गणपति जी को हम गंगा जल से थोड़ा सा स्नान करा लेते हैं, ताकि उबटन, जो चंदन का उबटन हमने बनाया है, वो अच्छे से लेप इन पर लगा सके। तो धीरे धीरे इनसे आग्रह करें कि आंखें बंद कर लें, इनको कोई दिक्कत ना हो, और लेप ऐसे लगा सकते हैं। अभी ये विग्रह बहुत छोटे हैं, तो मुझे ऐसे हाथों से पकड़ के ही इन्हें क्लीन करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 ही मिनट में हो जाते हैं, पर अच्छे से लगाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकी शाइन ज़्यादा आएगी, आप देख सकते हैं इनकी शाइन इस चंदन से कितनी आ रही है। हर जगह लग जाए, जहाँ जहाँ ये चंदन लगेंगे वहाँ वहाँ ये विग्रह क्लीन होते जाएंगे। और ये जो अंदर अंदर वाला एरिया है, इसे ब्रश से क्लीन कर लें। अभी मैं क्लीन नहीं कर रही हूँ ब्रश से, अभी सिर्फ ऐसे ही क्लीन करके शो कर दे रही हूँ। और ब्रश से क्लीन नहीं भी करेंगे तो धीरे धीरे, जैसे ही आप इन्हें हर हफ्ते स्नान कराएंगे, ये क्लीन होते चले जाएंगे। इस तरह का लेप मैंने लगा दिया है, और इन्हें 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब लक्ष्मी जी पे लगा देते हैं। थोड़ा सा जल भी डाल लेते हैं, मैं जल डालना रह गया था। अब इन पे लेप लगेगा तो ज़्यादा क्लीन हो जाएंगी। आप बताना आपको ये तरीका कैसा लगा, चांदी के विग्रह को भी 5 मिनट में चंदन से क्लीन करने का, एकदम चमकदार बना देने का। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इससे प्रभु को आराम भी मिलता है और ये अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। और एक तरीके से इनका चंदन स्नान भी हो जाता है। चंदन स्नान का अपना ही अलग महत्व है। तो ये लक्ष्मी जी पर मैंने चंदन लगा दिया है अच्छे से, जहाँ जहाँ मेरा हाथ पहुँचा। अब हम लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाएंगे। पहले हम इन्हें गंगा जल से गीला कर देते हैं, ताकि लेप लग सके। ऐसे भी आप लेप लगाएंगे तो वो हो ही जाएंगे क्लीन। कितने शाइन करते हैं हमारे लड्डू बाबू चंदन श्रृंगार की वजह से और चंदन स्नान की वजह से। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग मैंने ही की थी, श्रृंगार मैंने ही किया था, पेंट से किया था, ताकि ये हटे नहीं। फिर भी डेली स्नान से तो ये धीरे धीरे
हट जाता है, तो जब आपको लगे फिर से आप इनका श्रृंगार जो पेंट से किया हुआ है उसे रिन्यू कर सकते हैं। एकदम हल्के हाथों से लड्डू बाबू को करना है ताकि इन्हें कोई भी परेशानी ना हो। पैरों में, हाथों में, हर जगह। माथे पे हम इनका टीका लगाते रहते हैं, इनकी तिलक चिपकाते हैं, इसकी वजह से इनका माथा डार्क होता चला जाता है। तो माथे को अच्छे से क्लीन कर दें। ये हो गए हैं और जल्दी से हम क्या करेंगे, इन्हें स्नान करा देंगे। अब सबसे पहले गणपति जी को, लक्ष्मी जी को, ताकि इनके चेहरे से चंदन क्लीन हो जाए, और हमारे लड्डू बाबू को। लड्डू बाबू क्लीन हो गए हैं, गणपति जी भी एकदम शाइन करने लगे हैं। जहां जहां चंदन लगाया आप देख सकते हैं, और लक्ष्मी जी तो एकदम ही वाइट हो गई हैं। तो ऐसे मैंने चांदी के विग्रह को और पीतल के विग्रह को अच्छे से क्लीन कर दिया है, लड्डू बाबू को भी क्लीन कर दिया है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। इनका श्रृंगार कर देंगे, इनको वाइप कर देंगे। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।